नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी खेती .com में। मैं सोनेश कुमार किसान भाइयों के लिए लेके आया हूँ फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि हम फसल उगाते हैं और फसल उगाने के बाद उस फसल को जब बेचने जाते हैं व्यापारी में मंडी में, तो उसका मोल भाव लगता है उसकी क्वालिटी को देख कर। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर जानेंगे कि एक हम देख पा रहे हैं मशीन है, बीज जैसे एक ज्वार बाजरा गेहूं चावल जितने भी क्वालिटी के, उस चीज़ों को ये बताएगी कि कितना इसका मॉइस्चर है, क्या उसकी क्वालिटी है, तो उसको लेके हम जानेंगे इस एक्सपर्ट से और बताएंगे कि क्या रीज़न है। नमस्कार, पहले हमारे किसान भाइयों को परिचय देंगे अपना। नमस्कार, हम लोग नेबुला इनोवेशंस हैदराबाद की तरफ से हैं। हमने एक AI बेस मशीन बनाई है जो अनाज की गुणवत्ता को जांचने के अंदर काम आती है। इस मशीन को अभी राजस्थान में 144 ईना मंडी, हरियाणा में और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 400 लोकेशंस पे ये मशीन अभी लगाई गई है। इस मशीन के अंदर आप अपना चावल या जो भी आपकी अनाज है उसको आप यहाँ पे मशीन के अंदर रखेंगे। मशीन को आप जैसे ही बंद करते हैं तो इसका AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप अपनी जो क्रॉप है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना लॉट नंबर, जो एक मंडी आपको देती है, मंडी के अनुसार आप अपना लॉट नंबर किस किसान का है वो किसान का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं और 2 मिनट के अंदर अंदर ये अपना एनालिसिस पूरा कर लेती है। तो अभी जो एनालिसिस के अंदर जो तकलीफें थी, जिसके अंदर एक समान स्तर से रिजल्ट नहीं मिलते थे या किसी के अनुसार कोई अनाज अच्छा है या बुरा है, उसको उस इकोसिस्टम के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये मशीन डेवलप करी है। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि किसान जहाँ जहाँ मंडियों में आपने इसको लगाया है, तो वो किसानों के लिए क्या पेड रहती है, क्या सिस्टम रहता है, इस किसान को इससे क्या कैसे बेनिफिट मिलेगा? किसान जब अपना अनाज मंडी में लेके आता है तो मंडी में ये मशीन लगी हुई है जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मशीन ईना पोर्टल पे भी लिंक करी हुई है। तो किसान जब अपना क्वालिटी एनालिसिस इस मशीन पे करेगा तो वो ईनाम के पोर्टल पे भी विजिबल है। तो किसान को सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि उसका अनाज कोई बाहर का जो व्यक्ति है वो भी खरीद सकता है उसकी क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर, और उसको सही मूल्य मिलने की पूरी गारंटी मशीन के द्वारा दी जा सकती है। जैसे कि मैं जैसे बताया कि अनाज की क्वालिटी का प्रूफ मिल जाता है, एक उसको वेरिएंस मिल जाता है कि उसकी कितने अनाज की कितनी कैपेसिटी है, कितना उसमें मॉइस्चर है, क्या उसमें फंगस है, क्या है, कितना स्ट्रेंथ है अनाज के अंदर, क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से जो व्यापारी उसका रेट लगाता है उसको किसान को अपना एक एक प्रूफ मिल जाता है और किसान अपने पूरे अनाज को देख सकता है। जहाँ पे S लिखा है वो हमारा साउंड ग्रेन है जी। ब्रोकन जो एक छोटा टुकड़ा दाना होता है चावल का, उसे ब्रोकन के लिए B लिखा गया है या चौकी लिखा गया है। साथ में ही इसकी एक रिपोर्ट मशीन जनरेट करती है यहाँ पे BIS स्टैंडर्ड के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं कि उसके चावल के हाईएस्ट लिमिट ये है और उसके आधार पर उसके चावल की गुणवत्ता क्या है। तो किसान को भी एक सही मूल्य मिलता है। तो जैसे किसान भाइयों, देखा कि आपको अपना अनाज बेचने जाए मंडी में और इस मशीन की मदद से किसानों को कितना आढ़तिया होता है, देखा हाथ में चेक किया ये भाव लगा दिया, और इस मशीन से किसानों को उसका वहाँ ही और कहीं पे भी उस प्रूफ के साथ कहीं भी किसी और मंडी में भी जाके वो बेच सकता है और उसको अपने अच्छी क्वालिटी के हिसाब से अपने रेट उचित को मूल्य पा सकता उचित मूल्य वो पा सकता है। यही इस मशीन का मेन मोटिव है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि कहाँ कहाँ ये मशीन अभी फ़िलहाल में मौजूद है, जहाँ मंडी में ले अब जैसे गेहूँ की फसल आने वाली है उसको लेके मंडी में जाएंगे किसान, तो कहाँ कहाँ ये मशीन अवेलेबल है वो बताएंगे हमारे किसान भाइयों को फिलहाल। ये राजस्थान की सारी मंडियों में है, हरियाणा की सारी मंडियों में है और फूड कॉरपोरेशन की 400 लोकेशन पे है पैन इंडिया में। इसके साथ में हम लोग झारखंड में और बहुत जल्दी अन्य राज्यों में भी हम आ रहे हैं।
तो किसान भाइयों जहां मंडियों में जाएं अनाज बेचने, एक बार इस मशीन का ज़रूर चेक कराएं, जिससे कि किसान अपने अनाज का उचित मूल्य पा सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।